देख सकते हैं गाइस यहाँ पर काफी सारे रिएक्शन चैनल हैं और आपको देख सकते हैं भाई इन सारे लोग चैनल मोनेटाइज, आपको देख सकते हैं इन लोगों का चैनल मोनेटाइज है और ये लोग काफी सारे यूट्यूब से पैसा छाप रहे हैं। और आज की वीडियो पर आप लोग ये बताएंगे कि रिएक्शन वीडियो कहाँ से डाउनलोड करना है जिससे भाई आप लोग का चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और आपके चैनल में कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आए। तो वीडियो को जरूर फुल वॉच करें। सबसे पहले भाई ध्यान से देखो, अगर मैं यूट्यूब पर सर्च कर देता हूँ कि रिएक्शन शॉर्ट वीडियो कैसे बनाए तो देख सकते हैं भाई मेरा वीडियो YouTube में टॉप में रैंक करता है जिसमें अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, ठीक है। और इतने व्यूज में देख सकते हैं $2 कम से कम बन चुके हैं और काफ़ी भाई लोग इसमें कमेंट भी आ रहा है कि भाई ये बताओ कि रिएक्शन के लिए कहाँ से वीडियो डाउनलोड करें जिससे हमारे चैनल पर ना तो कोई इफेक्ट पड़े और हमारा चैनल सक्सेसफुल तरीके से 2023 पर मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। जैसे देख सकते हैं इनका चैनल मोनेटाइज है, यह भी मैम रिएक्शन का वीडियो बनाती हैं और इनका चैनल मोनेटाइज है, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी सारे चैनल देख सकते हैं, जितने जितने भाई लोग रिएक्शन का चैनल बनाए हैं सारे लोगों का चैनल मोनेटाइज है, ठीक है। तो आज की वीडियो पर भाई आप लोग का भाई ना बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा देगा कि रिएक्शन के लिए कहाँ से वीडियो डाउनलोड करना है और कैसे एडिटिंग करना है, सारा कुछ आप लोगों को समझा दूंगा। तो इस वीडियो को जरूर फुल वॉच करना है एंड भाई वीडियो के लास्ट पर आप लोग को भाई यह भी बताएगा कि रिएक्शन वीडियो बनाते समय आपको कौन सी गलती नहीं करना है, नहीं भाई आगे चलकर आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। जैसे देख सकते हैं इनके चैनल 19,000 सब्सक्राइबर हैं और यह भाई जब अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इनका चैनल मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। देख सकते हैं इनका चैनल रिजेक्ट कर दिया गया था। तो आपको इनके जैसा गलती नहीं करना है क्योंकि भाई यह भी रिएक्शन का शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, या थोड़ा सा गलती कारण भाई का चैनल मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो भाई आप इस वीडियो को फुल वॉच करें, मैं आप लोग को बताऊंगा रिएक्शन वीडियो कहाँ से डाउनलोड करना है एंड कौन सी गलती भी नहीं करना है जिससे भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, जैसे इन मैम लोगों का चैनल मोनेटाइज है, ठीक है। तो आपका भी चैनल मोनेटाइज होगा और भाई आप भी अच्छा खासा रिएक्शन शॉर्ट वीडियो बनाकर पैसा कमाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो फुल वॉच करें एंड लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हुआ सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे भाई को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि भाई ये जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा आगे रिसर्च करता हूँ फिर आप लोग के लिए वीडियो लाता हूँ। अगर ऐसे वीडियो ला दूंगा तो आप लोग कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब ध्यान सुन भाई, आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ रिएक्शन के लिए आप कहाँ कहाँ से वीडियो को यूज़ कर सकते हो और एडिटिंग करके भी सिखाऊंगा, क्योंकि अक्सर नए क्रिएटर ना एडिटिंग करते समय गलती कर देते हैं जिससे उनका चैनल मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान समझना भाई, आप लोग ना रिएक्शन के लिए आप लोग फेसबुक से वीडियो को ले सकते हो। जैसे देख सकते हैं आप काफ़ी सारे रील चलती है, अगर आप लोग जो फनी लगे जिसमें आप लोग को लगे कि हमको इसमें रिएक्शन देना है तो आप लोग भाई इनको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग भाई ये तो डाउनलोड करते बनते ही होगा, मैं आप लोग को डाउनलोड करते नहीं बताता हूँ, ठीक है। एंड एडिटिंग करना सिखाऊंगा, ध्यान सुनो, ठीक है। और भाई आप लोग ना इंस्टाग्राम से भी रिएक्शन के लिए वीडियो को यूज कर सकते हो, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। पर एडिटिंग करते समय आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज आप लोग आगे चलकर बताऊंगा, ध्यान सुनते चलना। और भाई आप रिएक्शन के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप यूट्यूब से वीडियो को ले सकते हो, यानी यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं आप लोग डाउनलोड करते नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई लोग यार आपसे डाउनलोड करते तो बनता होगा, ठीक है। अब भाई मैं चलता हूँ एडिटिंग करके आप लोग बताऊंगा, क्योंकि अक्सर नए क्रिएटर एडिटिंग में गलती करते हैं, आप लोगों को एडिटिंग करके सिखाऊंगा एंड लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को जरूर है फुल वॉच करते चलना। देख सकते हैं गाइस फाइनली मैच को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है। अब भाई मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ जो आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम वाली जो रील को आपने डाउनलोड किया है उसको कैसे एडिट किया जाता है जिससे आपके चैनल में कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। फिर भाई आप लोगों को यह सिखाऊंगा कैसे YouTube वाली वीडियो कैसे एडिट की जाता है, थोड़ा सा आप लोग बताऊंगा एंड लास्ट भाई आप लोग मेन इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो भाई लोग आप लोगों को कोई आगे चलकर प्रॉब्लम ना होगा और आप लोग का भाई 100% चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को फुल वॉच करना। सबसे पहले भाई देख सकते हैं मैं अपने गैलरी पे आता हूँ, ठीक है, आप लोग प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं भाई मैंने अभी आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं ये वाली रिएक्शन वीडियो बनाया है, कैसे स्पीकर बनाना है आप लोग थोड़ा सा जल्दी हिंट दे देता हूँ और बताऊँ कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं भाई मैच को अपने काइन मास्टर ऐप पर, ठीक है, एंड प्लस वाले आइकन पे जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एडिट करके सिखा रहा हूँ एंड नो रेशियो सिस्टम में जाता हूँ, ठीक है। एंड देख सकते हैं भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास जो बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है इसमें क्लिक करता हूँ एंड एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड को चूज कर लेता हूँ, आप लोग इसे चूज कर लीजिएगा एंड इसमें क्लिक कर दीजिएगा एंड जब पीली पट्टी हो जाए थोड़ा इसको बढ़ा लीजिएगा एंड इसमें सही करके एंड लेयर पर जाइएगा एंड मीडिया वाले ऑप्शन में जाने के बाद भाई जो आपने डाउनलोड किया यानी इंस्टाग्राम वाले जो रील आपने डाउनलोड किया जिसमें आपको रिएक्शन देना है या तो आपने फेसबुक से डाउनलोड करके रखा है उसमें आप तो एडिटिंग सिखा देता हूँ। जैसे देख सकते हैं भाई मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई मैं इसमें थोड़ा सा रिएक्शन एडिटिंग करके सिखा दूंगा। यह मेरी आ चुकी इस वीडियो में रिएक्शन देने वाला हूँ जो बड़ा कमाल का वीडियो है और ये 100% वायरल भी होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है भाई, लेयर में जाता हूँ एंड मीडियम में जाता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, यदि आपको फुल वीडियो वॉच करना कैसे रिएक्शन की एडिट की जाता है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो को सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई मैंने जो कैमरे से एक रिएक्शन के लिए वीडियो को बनाया है, तो वो वीडियो को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं भाई मैं ये वाली वीडियो को ले लेता हूँ। एंड लेने के बाद भाई क्या करता क्या हूँ, एकदम ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। एंड मैं ये वाले ऑप्शन पे जो भाई मैंने वीडियो डाउनलोड करके रखा था, मैं इसमें क्लिक करता हूँ। देन भाई मैं थोड़ा सा इसको ना ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं भाई मैं थोड़ा सा इसको इस पर हम कर लेते हैं, ठीक है। एंड भाई मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जिससे आप लोग का वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो कुछ इस प्रकार कर लेते हैं। एंड इसको मैं थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ। मेन आप लोग काम यहाँ पर दिमाग ये लगाना है, जब भी आप एडिट करो ना, तो जो आपने डाउनलोड किया है तो डाउनलोड वाली जो रील थी उसकी वॉइस आप लोग पूरे इसमें क्लिक करना है। एंड इसकी पूरी वॉइस को ऑफ कर देना है, यानी बंद कर देना है। फिर आप लोग भाई सिंपली एडिट कर लेना। एडिट करने के बाद भाई आप सिंपली इस पर एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। इस पर एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। एंड जाके यूट्यूब से आप लोगों ने लाइब्रेरी से जाकर म्यूजिक को लगा दीजिएगा एंड अपलोड कर दीजिएगा, ठीक। इससे आप लोग चैनल मोनेटाइज 100% हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा अपने वीडियो आवाज़ भी देते रहना, ठीक। अब भाई मैं आप लोगों को यह बताऊँगा, जैसे आप लोग ये YouTube चलता है, ठीक है, जैसे आप लोग YouTube चलाते हो, इस प्रकार आप लोग YouTube चलाते रहते हो, ठीक है। और आप लोगों को यह लगता है कि ये रिएक्शन वीडियो, ठीक है, माय बाई दबा ये रिएक्शन वीडियो हमको मिल चुकी है, तो हमको ना इनके जैसा हमको भी रिएक्शन वीडियो, सेम ये रिएक्शन वीडियो हमको भी बनाना है। तो आप लोग करना है क्या, सिंपली इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड डाउनलोड करने के बाद भाई आप लोग करना क्या है, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए। भाई मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा तो टाइम थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा ना, तो मैनेज कर लेना भाई। आपको करना है क्या भाई, देख सकते हैं फिर से काइंड मास्टर पर आता हूँ, दे सकते हैं प्लस वाले आइकन में क्लिक करता हूँ, ठीक है, प्लस वाले आइकन में क्लिक करता हूँ, नोरेशन सिस्टी पे जाता हूँ। थोड़ा जल्दी फास्ट बता रहा हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। एंड दे सकते हैं भाई जो मैंने वीडियो को डाउनलोड किया यूट्यूब वाली, ठीक है, तो वाली वीडियो को मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड में जाता हूँ, ये वाला फिर से जल्दी बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला डाउनलोड कर लिया, इसको बढ़ा लिया। एंड लेयर में जाता हूँ, एंड मीडिया में जाता हूँ। मैं आप लोग फिर से बता दूँ, यदि आप लोग सीखना है भाई तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, ठीक है। मैं आप शॉर्टकट बता रहा हूँ आप लोग क्या दिमाग लगाना है, एंड लास्ट तक जरूर देखिएगा, मोनेटाइजेशन का रूल बताऊँगा, ठीक है। आपको करना है क्या भाई, जो मैंने डाउनलोड करके रखा है ना, कहाँ गई मेरी डाउनलोड वाली वीडियो, ये डाउनलोड है, ठीक है। ये भाई मैंने जैसे मेरे को इसमें रिएक्शन देना है, ठीक है, मैंने ये वाला यूट्यूब से उठाई वीडियो एंड मेरे को इसमें रिएक्शन देना, देख सकते हैं मैं प्ले कर रहा हूँ, मेरे को इसमें रिएक्शन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, लेयर में जाता हूँ, मीडियम में जाता हूँ एंड जो मैंने कैमरे पर जाता हूँ, ठीक है। कैमरे से गया और मेरे को लगता है ये वाला मेरे को वीडियो लेना है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेता हूँ, ऐसे क्रॉप कर लिया, ठीक है, ऐसे क्रॉप कर लिया और देख सकते हैं मैं इसको सही कर देता हूँ और कुछ को इस पर एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अपना चेहरा आना चाहिए। तो भाई हम इस प्रकार जल्दी जल्दी एडजस्ट कर देते हैं भाई, ठीक है, इस प्रकार आप एडजस्ट कर दीजिएगा। एंड देख सकते हैं हमारा वीडियो कुछ इस पर प्ले होता रहेगा, ठीक है। तो आपको करना है क्या भाई, मैं अभी आप लोग को एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ, यदि इस प्रकार का अगर आप लोग एडिटिंग सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग भाई इसमें जो यूट्यूब वाली आपने वीडियो डाउनलोड किया इसकी वाइस आपको सिंपली इस पर ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद सिंपली आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट कर दीजिएगा और आप लोग अपनी वीडियो को अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब की लाइब्रेरी से, म्यूजिक को ले लीजिएगा। अब भाई मैं आप लोग रूल बताता हूँ, रूल कौन सा है। अब भाई लोग आप लोग एक गलती बताने जा रहा हूँ जो आप लोग भाई बिल्कुल नहीं करना है, जिससे भाई लोग आप लोग का ना रिएक्शन शॉर्ट चैनल मोनेटाइज हो जाए और आप भी अच्छा खासा पैसा कमाए। दे सकते हैं इन मैम का रिएक्शन शॉर्ट चैनल मोनेटाइज है और आप लोग का भी होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान सुनना है, जो जो बातें आप लोग बताने जा रहा हूँ ना आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। आपको करना है क्या भाई, जब भी आप रिएक्शन शॉर्ट वीडियो बनाया करो ना, तो आपको एक क्लिप को बार बार यूज नहीं करना है, ठीक है। और याद रखना भाई, जब भी आप क्लिप बनाओ ना, तो आपको उसमें थोड़ी सी अपनी वॉइस को ऐड कर दिया करो, यानी भाई आप लोग सीधे मुंडी भर नहीं हिलाना है, आपको उसमें थोड़ी सी अपनी आवाज़ भी डालना है। यदि आप अपनी आवाज़ डालोगे ना, तो आपका जल्दी रिएक्शन शॉर्ट चैनल एकदम 100% मोनेटाइज हो जाएगा। और इस समय हो क्या रहा, जो भी भाई लोग ना अपने रिएक्शन शॉर्ट वीडियो पर आवाज़ नहीं डालते हैं, एकदम कुछ नहीं बोलते हैं, तो उनका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होता है, व्यूज कंटेंट आ जाता है, जैसे इन भाई का आ चुका था, ठीक है। तो आपको ना अपनी उसमें आवाज़ ऐड करना है। और एक बात आप लोग क्या करना है, और एक चीज़ आप लोग को यह भी करना है मेरे भाई लोग, आप लोग ना अपने रिएक्शन शॉर्ट चैनल भाई कम से कम उसमें 8-10 ना लॉन्ग वीडियो को बना लेना, यानी लंबी वीडियो आप लोग बना लीजिएगा और अपने चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा। इससे हो गया क्या भाई, जब भी आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे ना, तो यूट्यूब की टीम आपके शॉर्ट चैनल को भी चेक करेगी और लॉन्ग वीडियो को भी चेक करेगी, जिससे उसको यह लगेगा कि हाँ यार आपका एक खुद का चैनल है और मैंने आपका चैनल मोनेटाइज 100% कर देगी, ठीक है। तो आप लोग यही तीन बातों को हमेशा याद रखना है और क्लिप को हमेशा याद रखें भी, आप लोग एक क्लिप को बार बार यूज़ नहीं करें और उसमें अपनी आवाज़ डालें और कम से कम अपने चैनल में 8-10 वीडियो बना दें, ठीक है। तो आई होप यार मेरा वीडियो आप लोग को पसंद है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पसंद है। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद है इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।